हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल स्टडी प्लस में। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको 100% सॉल्यूशन एनसीईआरटी मैथ और साइंस का कराया जाएगा। बस आपको फोकस रखना है, पेशेंस रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर कर अपने पास रखना है। और अगर आप इस चैनल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो के लास्ट में आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पहले चैप्टर का कंटेंट जिसको आज हमें कवर करना है। ठीक है, चलिए इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन 1 से आराम से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स हम लोग को पता ही है। रियल नंबर्स किसको बोलते हैं? ऑल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। लाइक इसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारा आ जाता है। ठीक है, इसको पी बाई क्यू के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। सारा नंबर रियल नंबर आपको लोगों को पता ही होगा, 9th क्लास में भी स्टडी किए होंगे। तो पहला है क्लास 10 का यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, गिविन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ए कंडीशन है, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर जो है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और बी से छोटा होगा। ठीक है, अब ए बी क्यू आर क्या है? तो ए बी क्यू आर आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड डिवाइजर, डिविडेंट, क्वोटेंट एंड रिमाइंडर। जैसा हम यहाँ पे लिख दिए एकदम अच्छे से, हम लोग डिवाइड करते हैं, एकदम सिंपल चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है, डिवाइड करते हैं। तो जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर, ठीक है, यहाँ पे बी है, ठीक है, जिसको डिवाइड करते हैं डिविडेंट, जो डिवाइड होके नीचे में आता है रिमाइंडर, ये तो पता ही होगा। इस साइड राइट साइड जो आता है क्वाड्रेंट, कोई कोई राइट साइड को यहाँ पे ऊपर में भी लिखते हैं यहाँ पे, तो वो होता है क्वाड्रेंट। तो ये एक सिंपल सा था जिसको हम लोग को जानना था। अब आगे देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टू ऑब्टेन द एससीएफ निकालने के लिए। ठीक है ना, कोई दो नंबर है, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए सी एड डी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये थ्योरी टाइप का है, थ्योरिटिकल टाइप का, और क्वेश्चन आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। विथ सी इज़ ग्रेटर देन 0, सी जो है अभी 0 नहीं होना चाहिए, फॉलो दी स्टेप्स टू फाइंड टू ऑब्टेन द एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर दो नंबर दिया हुआ है आपका, सिंपल सा बोल रहे हैं, और उसका एससीएफ चाहिए, तो एससीएफ चाहिए तो हम उसको सिंपली डिवाइड करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। हम आपको बताएंगे क्वेश्चन में, आसानी से समझ में आएगा कि कैसे करना है। ये स्टेप सबको आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो है ये द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आप लोगों को पता ही होगा, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर में जो 1 और इट्स सेल्फ से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर है। बट कंपोजिट नंबर इज, अब तो समझ में आ गया होगा, 1 इट्स सेल्फ और अदर नंबर, अदर और किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, सिंपली यही समझना था। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कोई नंबर का, जैसे कि मान लीजिए 24 है। ठीक है, तो 24 का ही कर चुके हैं अभी, तो 24 का 12, ठीक है, फिर से कराएगा 6, फिर से जाएगा 2, 3 जाए, तो इसको एक सेट में लिखेंगे 2 का पावर क्यूब इंटू 3, क्योंकि 2 3 पीस है, 1 2 3, तो इसका पावर में क्यूब लिख दिए। ठीक है, पावर में 3 लिख दिए,
ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको भी आते हुए जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको भी फेस करना होगा, बड़ा आसानी से क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसे घबराना नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रखिए, ये काम आएगा एक थ्योरम, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई एक्स नंबर है जिसको रियल नंबर माना जा रहा है, ठीक है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, टर्मिनेटिंग मतलब होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब हो जाता है समाप्त हो जाना, रुक जाना, ठीक है, रुक जाना मतलब कोई भी पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर है जो कहीं पर समाप्त हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर रुक गया, ये रुक गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो ना रुके, जो लंबा चलता जाए, ठीक है, एक नॉन टर्मिनेटिंग सो ऑन, ऐसे टाइप से चलता जाए, या ऐसे बार दिया हुआ रहा है तो ये, अरे बार दिया हुआ रहा है तो यही नंबर रिपीट कर रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर से भी फेस करना होगा आने वाले क्वेश्चन में, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये भी आपके काम का है, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है जो आपके लिए बहुत आसान कर देगा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर, ठीक है, ये कंटेंट है जिसको आप देख चुके हैं। ये है पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, हम कॉन्सेप्ट में भी बता चुके थे, दो नंबर है, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करके लाए हैं ताकि वीडियो लंबा ना जाए और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो, और बुक है तो बुक से देख के देखिए मेरा आंसर और आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर है ये, पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन क्या था आप लोग देखे होंगे, 135 एंड 225, ठीक है, तो 225 इज़ ग्रेटर देन 135 देखने में भी लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए हैं 135 और 135 से 235 को डिवाइड किए हैं, एक बार डिवाइड किए तो यहाँ रिमाइंडर जो आया है 90 आया है। हम लोग को रिमाइंडर कितना चाहिए था, जीरो चाहिए था। तो वी अप्लाई दी डिवीजन लेमा, ठीक है, डिवीजन लेमा को हम लोग अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में इसको लिखे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में लिखे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, ए जो था फिर बी क्यू आर, ऐसे आगे भी करना है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है, एकदम आराम से समझिएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर जो है 90 है, जीरो नहीं है, 90 है, ठीक है। अब जब रिमाइंडर 90 है तो अगेन हम लोग अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, ठीक है, रिमाइंडर 90 आया तो अगेन हम लोग अप्लाई करेंगे और अगेन यही सब अप्लाई हुआ है, लेकिन 90 से 135 को अब जो रिमाइंडर है, एक चीज़ हम यहाँ पे बताना भूल गए थे, अब जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करना है, किसको, जो डिवाइज़र था यहाँ पे, ठीक है, रिमाइंडर अब डिवाइज़र बन गया है और डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 90 से डिवाइड करेंगे तो 45 आया, फिर इस जगह पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में लिखे हैं, आप लोग को अब समझ में आने लगा होगा कि हम क्या किए हैं, इसको इस फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के हिसाब से, ठीक है। वी कंसिडर द न्यू डिवाइजर 90 एंड न्यू रिमाइंडर 45, ठीक है, हम लोग को अब न्यू डिवाइजर मिल गया 90 जो है, और चूँकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया है तो फिर से हम लोग को अगेन करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर जो है 45 है, ठीक है ना। अप्लाई अगेन डिवीजन लेमा टू ऑब्टेन, देखिए 45 से अब 90 को डिवाइड किया तो सिंपली यहाँ पे सिंपली टू बार में रिमाइंडर जीरो आ गया, तो खुश रहिए, मुबारक हो, आपको आंसर मिल गया है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो रिमाइंडर जैसे जीरो आया, रिमाइंडर इज ज़ीरो, देन द प्रोसेस इज स्टॉप्स, आवर प्रोसेस इज स्टॉप्स सिंस द डिवाइजर इन दिस केस इज 45। आप देखिए जो केस में जीरो आया है उसमें डिवाइजर को हमको देखना है, डिवाइजर कितना है,
45 है. देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ, ठीक है, देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45. ठीक है, बहुत आसान लगा. यहाँ पे देखिए ये हो गया 45 आंसर. तो बस एक बार हम फिर से इसको प्रीफेस कर देते हैं, बहुत आसान है. हम लोग को देखना है क्वेश्चन में कि दोनों नंबर में से, दोनों पॉजिटिव इंटीजर में कौन बड़ा है. हम लोग को इस केस में दिख रहा है 225 बड़ा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डिवाइड करने आता है, डिवाइड करेंगे. डिवाइड जब हम कर लेंगे तो हम लोग डिवाइड में जब रिमाइंडर हमको जीरो ना मिले तो हम इसको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में पुट कर देंगे, डिविज़न लेमा से. ठीक है, अब फिर से हम डिवाइड करेंगे, फिर से जीरो ना मिले. अगर जीरो मिल जाए तो मुबारक हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. अगर जीरो ना मिले तो हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में लिख के फिर से अगेन जाएंगे, किससे, रिमाइंडर और डिवाइजर से, रिमाइंडर और डिवाइजर से. ठीक है, और क्लियर कीजिए कि जीरो जब हमें मिल जाए तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. इस केस में हम लोग को फोकस करना है कि इसका डिवाइजर कौन था. जब हमको जीरो मिला तो इसमें डिवाइजर कौन था, तो जो भी डिवाइजर होगा वही हमारा आंसर होगा. ऐसा एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है, जैसे हम लोग देख रहे थे यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा. पहला क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व किए, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये रहा. स्क्रीनशॉट कीजिए और देखिए इस क्वेश्चन की खासियत कि एक ही बार हम डिवाइड जब किए तो क्वाटेंट 195 मिलने के बाद हमको रिमाइंडर डायरेक्ट जीरो मिल गया. तो इन दिस केस एचसीएफ इज दिस, इज वेरी सिंपल. एंड थर्ड क्वेश्चन आंसर इज दिस, और इसको भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लीजिए. और इसका आंसर आप लोग को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्या है कि मैथ है ये. मैथ को अगर बिना प्रैक्टिस करके जाइएगा तो कितनों अच्छा से हम समझा दें आपको समझ में नहीं आएगा. तो इसको प्रैक्टिस करना है यहाँ पर. ये देखिए आखिरी तक स्क्रीनशॉट फटाक से मार लीजिए. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ है एक्सरसाइज 1.1 का. सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओड और इवन का हम लोग को पता है, ओड उसको बोलते हैं जो टू से डिवाइड ना जाए, ऐसा नंबर जो टू से डिवाइड ना जाए, और इवन उसको बोलते हैं जो टू से डिवाइड जाए. सिंपल है, आप लोग को पता है लेकिन भी बता दे रहे. तो एग्जांपल में ओड नंबर के एग्जांपल में कौन सा आ जाएगा, आप ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, और कुछ भी ले सकते हैं आप, 7 ले सकते हैं, 8 तो नहीं लेंगे, 9. 8 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 8 2 से डिवाइड जाता है. और जब 8 2 से डिवाइड जाता है 4 आता है, यानी कि ये 2 से डिवाइड जा रहा है तो ये इवन नंबर है, हम लोग को पता है. ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन इज, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर. ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, ये भी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में हमको दिख रहा है. ठीक है, यानी कि कुछ लोचा है. चलिए हम लोग देखते हैं आराम से इसका आंसर. ये रहा इसका आंसर, ये है इसका आंसर. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं ओड मिलता है कि नहीं. तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसको समझाने जा रहे हैं. ठीक है, आराम से समझना है हम लोग को, रिलैक्स, चाय पी के. तो यहाँ पे हो गया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. हम लोग मानते हैं, एक मिनट, हम लोग मानते हैं ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6. वाई वी पुट बी इज इक्वल टू 6, बिकॉज द क्वेश्चन हैव 6q+1, 6q+3, 6q+5, देयरफॉर बी इज ऑलवेज 6 इन क्वेश्चन, देन वी पुट बी इज इक्वल टू 6. और हम लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में आर जो है एक कंडीशन में रहता है जो जीरो या जीरो से बड़ा रहता है और बी से छोटा रहता है, ये कंडीशन रहता है, हम लोग को पता है. ठीक है, भूलना नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस करते रहना है. ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, आर का मान हम लोग पहले जीरो रखेंगे तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू आएगा, 1 रखेंगे फिर आर का मान 2 रखेंगे, 3, 4, 5, 5 तक ही क्यों गए, क्योंकि आर का मान बी से छोटा होता है. ठीक है, ऑल्सो हम लोग 6q+1 जो है, 6q+1 इसको हम लोग 2 × 3q+1 लिख सकते हैं. समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, हम आसानी से उसको सॉल्व करके खुशी खुशी आपको देंगे. ठीक है,
यार हमको खुशी लगेगा अगर आप क्वेश्चन पूछिएगा तो। हम लोग 2 × 3³ + 1 में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 × 3 = 6। अब जो 3q है, 3q को हम लोग k1 मान लेते हैं, और k1 इज़ नथिंग बट इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर ऑल्सो, ठीक है, k1 इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर। अब फिर क्वेश्चन में क्या था, 6q + 3, 6q + 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 6q + 2 + 1 को हम लोग बाहर निकलाएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आराम से। अब यहाँ पे इसे ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम यहाँ से 2 को कॉमन लेने वाले थे। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन लिए तो 3q + 1 + 1 बच गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 3q + 1 को हम लोग k2 मान लिए हैं, और k2 इज़ नथिंग बट इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिमिलरली 6q + 5 को, 6q + 4 + 1 हम लोग लिख सकते हैं, और 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो बचा क्या, 3q + 2। 3q + 2 को हम लोग k3 मान लेंगे, k3 मान लिए, और k3 मान लिए तो k3 इज़ ऑल्सो नथिंग बट ये क्या है बताइए, ठीक सही बोले आप। अब देखिए क्लियरली हम लोग 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आर ऑफ द फॉर्म 2k, ओके, 2k + 1, वेयर k इज एन इंटीजर। हम लोग जानते थे k1, k2, k3 को हम लोग क्या माने थे, इज नथिंग बट पॉजिटिव इंटीजर। देन हम लोग इस सब को मिला के k इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, देयर फोर 6q + 1, 6q + 3, 6q + r आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए 2k + 1 का हमको एक फॉर्म मिला है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। k का मान हम लोग रख देते हैं, मान लीजिए हम 1 रख दिए, ठीक है, प्लस 1 कितना आया बन के, 2 × 1 2 + 1 3, 3 इज डिवाइडेड बाई 2, नो दिस इज नॉट डिवाइडेड बाई 2, देयर फोर 3 इज ऑड नंबर, ठीक है। अब k का मान आप 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, सो ऑन, आप रख लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हैंस दिस एक्सपेंशन ऑफ नंबर आर ओड नंबर्स वी सी दैट, ठीक है ना, हम लोग देख चुके हैं कि ये ओड नंबर है, एंड देयर फॉर एनी ओड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड अस 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, ठीक है। बहुत आसान था, इसको भी स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अरे स्क्रीन शॉट करके ऐसा नहीं है कि गैलरी में सिर्फ रख देंगे, इसको आपको नोट करना है, एक प्रॉपर नोट करके सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इतना आसान वर्ड में आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आपको आसानी से एग्ज़ाम तक याद रहे, समझे, आसानी से लंबे समय तक याद रहे, इसलिए हम आसानी से सॉल्व बता रहे हैं, ठीक है, अरे बायलिंगुअल बता रहे हैं। ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 1.1। 1 मिनट, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, एंड व्हाट सेज थर्ड क्वेश्चन, इन आर्मी कंटिंगेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए पैरेड, इतना समझ में आया, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकलाने के लिए हम लोग इसका HCF निकलाएंगे, ठीक है, इसका हम लोग HCF। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पीरियड में 616 मेंबर है, ठीक है ना, आर्मी का टुकड़ी, इसकी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले मेंबर्स वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यही है। दोनों समूहों को, दोनों जो ग्रुप हैं, समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है ना, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं वे क्या है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलाना है दोनों दोनों मेंबर्स का, 616 है एंड 32, ओके। देन वी नो हाउ टू फाइंड आउट द HCF ऑफ टू नंबर इजली,
ओके वी नो दैट हाउ टू सॉरी एक मिनट वी नो दैट हाउ टू फाइंड आउट इजली द टू नम एस सी एफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. हम लोग तो यही फॉर्म में देखेंगे ठीक है. एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से डिवीजन किए रिमाइंडर एट आया, फिर से डिवीजन किए रिमाइंडर जब जीरो आया तो हम लोग देखेंगे कि किस में जीरो आया, एट में जीरो आया. एट मार्च इन एट कॉलम ईच इज आंसर. ओके चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर. इसको आराम से स्क्रीनशॉट करके एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए. द क्वेश्चन नंबर फोर सेज यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m. देन यहाँ पे क्वेश्चन पे एक हिंट दिया हुआ है तो हिंट को आप देख सकते हैं बुक में आसानी से और उस हिसाब से हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं. चलिए लेट हम लोग ए मान लेते हैं कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है. अब बी क्यों थ्री माने, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m 3m प्लस 1. ओके देन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में लिख दिए वेर आर इज नथिंग बट इज इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन बी. ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है देयर फोर ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1 3q प्लस 3. इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समझ में आता होगा कुछ, तो इसका स्क्वायर करते हैं. मतलब पिछले हम क्वेश्चन एक ऐसी टाइप से सॉल्व कर चुके हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं. स्क्वायर करने पर तीनों का स्क्वायर ये रहा. ठीक है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ये और ये दिख रहा है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में इसको काट दिए. कोई दिक्कत, आपको प्रैक्टिस भी करना है. यहाँ से 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, 9 से 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 9 स्क्वायर लिख दिए. ठीक है वैसी सबसे 3 कॉमन लिए हैं. ठीक है और यहाँ पर से प्लस वन कॉन्स्टेंट क्लियर किए हैं और इस फॉर्म को इसको इसको और इसको K1 K2 और K3 पुट कर दिए हैं. वेर K1 K2 एंड K3 इज नथिंग बट इज सम पॉजिटिव इंटीजर हैंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ द, यहाँ पर हम फिर से बोल रहे हैं द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. हम लोग देख रहे हैं कि ये फॉर्म में है. क्लियर है आंसर इज हेयर एंड यू स्क्रीनशॉट दिस. अब बार बार नहीं बोलेंगे स्क्रीनशॉट करना है, आपको खुद से भी करना है. तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी बहुत आसानी से हम लोग इसको एक्सरसाइज 1.1 को क्लियर करते हैं. मुबारक हो आपका एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 1.1 क्लियर होता है. ठीक है लास्ट क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, यहाँ पे कुछ कट गया है, खैर 3m 3m प्लस 1 और नहीं सॉरी 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देन क्यूब हम लोग को देखना है, बस और कुछ नहीं है, क्यूब देखना है. चिल मारिए आराम से और चलिए देखते हैं इसका क्यूब. अब दिखता होगा आप लोग को अच्छे से. ठीक है ये वीडियो में कोई भी गड़बड़ी लगे आपको या लगे इससे भी बेहतर हम दे सकते हैं तो आप, हम तो अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं. आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3. ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर. ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में लिख दिए हैं. इसको थोड़ा सा हम देखिए, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी. देन ये तीन फॉर्म बना, कुछ नहीं करना है. इसका क्यूब में आते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 इसका क्यूब किए तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि 3 का क्यूब 27 क्यूब. ठीक है 27 से हम 9 को मान लिए. अब बोलिएगा 9 क्यों को मान लिया, क्वेश्चन देखिए. ओके ताकि हमको 9m का फॉर्म में बनाना है, बन गया. वेर m इज इक्वल टू 3q क्यूब. केस 2 a इज इक्वल टू 3q प्लस 1. ओके हियर वी सी दैट यहाँ पे हम लोग क्यूब किए हैं a प्लस बी का होल क्यूब. ठीक है अब यहाँ पे a क्यूब प्लस बी का होल क्यूब से हम लोग 9 को कॉमन लिए हैं. कोई दिक्कत नहीं. 9 को जब हम कॉमन ले लिए तो ये जो फॉर्म है इसको हम a मान लिए. वैसे करके सिमिलरली इसमें किए
देयरफॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ओके. देन योर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 इज क्लियर. यू प्रैक्टिस दिस एंड से व्हाट इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन. तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है. एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा. दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ओके. देन प्लीज़ शेयर दिस फॉर योर. तो एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. देखिए ये है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का. एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है. तो ये नंबर जो है ये सब इसको हमको सॉल्व करना है. हम बताते हैं कैसे सॉल्व करना है. आई होप आप लोग आसानी से सॉल्व कीजिएगा. दिस इज फर्स्ट आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, ठीक है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन याद कीजिए, अभी हम लोग 24 का सीखे थे, जस्ट अभी सीखे हैं. 140 का करते हैं. 140, 70, बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं. सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं? तो कुछ बच्चे रहते हैं जिसको पता नहीं रहता है. एक मिनट, तो हम एकदम बेसिक से हर चीज़ बताना चाह रहे हैं ताकि किसी को कोई डाउट ना हो और एक वीडियो में सारा सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाए डाउनलोड करने पे, पहला चैप्टर कंप्लीट, ठीक है. चलिए तो ये हम लोग सॉल्व किए. तो आया जो ये था, टू का स्क्वायर कर दिए क्योंकि टू दो बार है, तीन बार रहता है तो क्यूब करते हैं. ये आ गया फॉर्म. बस इस फॉर्म में बैठाना है बना के. अब देखिए प्राइम फैक्टर नाम ही से पता चल रहा है कि प्राइम का सबसे स्मॉलर प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है. हो रहा है उससे तो चलते जाना है, उससे ऊपर जाना है, ठीक है. अगर इससे नहीं स्टार्ट हो रहा है तो फिर प्राइम नंबर सेकेंड इज थ्री, प्राइम नंबर थर्ड इज फाइव एंड गो सो ऑन. एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर ऑल क्वेश्चन ऑफ वन फर्स्ट फर्स्ट ऑल आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. एंड आई होप यू स्क्रीन शॉट दिस एंड प्रैक्टिस इट बिकॉज दिस इज सो ईजी फॉर सॉल्विंग. और 10 क्लास में ऐसे मिल रहा है तो आप लोग तो भाई आराम से कर सकते हैं, हमको पता है. तो आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन पे. दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF. इसको फिर से बोलेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है. तो LCM और HCF करना हम लोग 6 क्लास से सीखते आए हैं, आप लोग भी. तो ये दो नंबर है, ये दो नंबर है, ये दो नंबर है. इस दो नंबर को मल्टीपल करना, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा फिर इसका LCM सिंगल सिंगल का LCM और HCF निकलाना है. निकला के जो आया उसको मल्टीप्लाई करना है. अगर दोनों इक्वल आया तो हमारा काम बन गया. चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर. पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग याद कीजिए कौन सा था. पहला क्वेश्चन था 2691. 26 का प्राइम फैक्टर क्यों ये आया, 91 का ये आया, आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है इसीलिए, ठीक है. LCM निकलाएंगे यानी हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन ये आ गया जो कॉमन है दोनों में, जो नंबर कॉमन रहा है. और LCM निकलाएंगे ये और ये को ले लेंगे, ठीक है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो ये हो गया दोनों का HCF और LCM. इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा आया ये 2366. एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स देखते हैं क्या आता है. तो अरे ये भी 2366 है, ये भी 2366 है. यानी कि क्वेश्चन में जो हम लोगों को बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, सही में आ गया वही. चलिए टेंशन नहीं लेना है, दूसरा क्वेश्चन में भी आ गया था. ये स्क्रीनशॉट कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए खुद से. अगर मेरा सॉल्यूशन में गलती है तो आप इसको आंसर बताइए हमको, ठीक है. इसको सॉल्व कीजिए. इसका देखिए LCM इंटू HCF ये आया, इक्वल आ गया, ठीक है.
और एक क्वेश्चन था, आप लोग बोलिएगा, ये रहा दूसरा का तीसरा क्वेश्चन का आंसर। इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए, और ये भी सॉल्यूशन बहुत आसान है। यहाँ पे क्या है, 336 एंड 54, ठीक है। 336 को हम लोग निकाले, देखिए निकला हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और 2 के बारे, 4 बारे, तो यहाँ पावरफुल लिखा हुआ है, इसमें कन्फ्यूज तो होंगे नहीं। 54 को ये सॉल्व किया, एलसीएम 6 आया, नहीं एचसीएफ 6 आया, कैसे 6 आया, तो देखिए तीनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है और दोनों में 3 मिल रहा है, लगा दिए एलसीएम, ये आ गया, आप लोग भी निकला सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, एंड एलसीएम एचसीएफ इज दिस, दोनों सेम आया, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन का, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़िए एक बार अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 नंबर है, ठीक है, इसमें 3 नंबर दिया हुआ है, 1 2 3, इसमें भी 3 नंबर, 1 2 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसको तो हम बताते भी नहीं, लेकिन चलिए बता देते हैं, बहुत आसान है क्या कि। तो इसका आंसर हम अभी आपको देते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन का पहला आंसर, इसको थोड़ा सा हटा देंगे। और ये क्या था, 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर किए, ठीक है, एच सी ए पर एल सी ए निकला है, इसको तो बताना नहीं होगा, क्या इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आराम से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कोई हर सॉल्यूशन मिलना भी नामुमकिन है, बिना प्रैक्टिस का आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट करते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर है, 2 नंबर का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, ठीक है ना। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एल सी एम फाइंड करने के लिए एच सी एफ दिया हुआ, एच सी एफ को बट्टा मिलाएंगे, खैर देखते हैं। ये सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, वही किया 2 नंबर्स का एच सी एफ ये हो गया, वी नोट दैट दी एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू 2 नंबर का प्रोडक्ट, एल सी एम हमको चाहिए तो एच सी एफ बट्टा मिलाएंगे, एल सी एफ कितना था, 9 था, सॉल्यूशन ये है, करिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, और सॉल्व करके देखिए आंसर कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर देखिए, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका एंडिंग जो है, यूनिट डिजिट जो है 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है 0 होना चाहिए, 6 to the power n नेचुरल नंबर, तो हम इसको देखते हैं ना। तो देखिए कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, यानी कि वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है, और जो नंबर 10 से डिवाइड होगा तो वो 2 into 5 भी लिखा सकता है, से भी डिवाइड होगा, चलिए ठीक है, 2 into 5 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 6 to the power n, 6 जो है 2 into 3 का मल्टीपल है, 2 और 3 का मल्टीपल है 6 है, यहाँ पे 5 अवेलेबल नहीं है, और जब 5 अवेलेबल नहीं है तो लास्ट डिजिट 0 कैसे होगा, सोचने वाला बात है ना, ठीक है, इसको स्क्रीन शॉट कीजिए, सॉल्यूशन आपके सामने है। देयर फोर 6 to the power n, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर फोर 6 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 का 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन आपको दिखता होगा यहाँ पे है, देखिए ये, ठीक है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, हम बता चुके हैं, आप कहीं से आपको कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन कमेंट में लिखना है, ठीक है, मस्ट लिखिएगा, याद रहेगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन था ना, 6th क्वेश्चन का आंसर, नंबर्स आर ऑफ द 2 टाइप्स, अरे हम तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन लिख दिए,
खैर फिर भी लिखिएगा, प्रैक्टिस होगा। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इट्सेल्फ, एंड कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इट्सेल्फ। ठीक है, हम लोग को पता है ये सब। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमको, हम 13 को कॉमन लिए, 13 कॉमन आ रहा आसानी से। 77 प्लस 1 78, 78 को 13 × 6 लिख सकते, यानी कि ये नंबर जो है अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। ये नंबर का भी वही हाल है, अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, वन यहाँ पे देखिए 1009 है, 5 एंड 1009, 1009 का तो कोई मल्टीपल नहीं होगा, ये प्राइम नंबर होगा। फैक्टराइज फर्दर, ठीक है, कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, देयर फोर द गिवन एक्सपेंशन हैज़ 5 एंड 1009 हैज़ इट्स फैक्टर्स, हेंस इट इज़ ऑल्सो कंपोजिट नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बाकी है ना, 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अभी हम बताते हैं इसमें क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आई होप। देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, इमेज कीजिए, एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड में, सोनिया सोनिया कोई है, टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव ऑन अराउंड ऑफ द फील्ड, 18 मिनट में सर्कुलर पाथ को कवर करती है, और रवि जो है 12 मिनट में कवर करता है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम पॉइंट, सेम पॉइंट सेम टाइम, गो ऑन सेम डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम प्लेस में खड़ा होकर सेम टाइम में, ठीक है ना, सेम पॉइंट से स्टार्ट करके, ठीक है, राउंड लगाने। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, हम इसका आंसर फिर से देंगे। देखिए, एक सर्कुलर पाथ है, जो सोनिया है 18 मिनट लेती है उसको एक राउंड लगाने में, और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है, ये लोग दोनों एक जगह पर खड़ा होकर एक पॉइंट पर खड़ा होकर एक टाइम में फिर वही सर्कल लगाने जा रहे हैं, तो कौन समय दोनों मीट मिलेंगे, तो दोनों मिलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, 18 और 12 का हम लोग एलसीएम निकलाते हैं, सिंपल आप लोग को इसको प्रैक्टिस करना है, एलसीएम निकलाएं। ठीक है, रवि सोनाली जो ये है सोनिया, क्या बोलते हैं यहाँ पे, एलसीएम निकलाने के बाद कितना आया, 36 है। ठीक है, तो 36 मिनट बाद ये दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं, 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं, कोई डाउट नहीं, 1.3 भी कंप्लीट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आप लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बुक है तो ठीक है, बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब 100% प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको। ठीक है, बस आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए ये, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, पहला है प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो रूट फाइव को इरेशनल नंबर है प्रूव करना है। हम लोग मानेंगे, पहले एज्यूम करेंगे कि रूट फाइव जो है रेशनल नंबर है, चलिए देखते हैं। लेट रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर, अगर हम लोग का माना हुआ गलत निकला कि ये रेशनल नंबर नहीं है, अगर ऐसा निकलता है तो पक्का ये इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में तो आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर शायद हम बताए थे, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, देयरफॉर वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए बी, यहाँ पे देखिए, अब ये रेशनल नंबर हम लोग माने हैं तो पक्का ये ए बाई बी का फॉर्म में होगा, सॉरी अगर हम लोग इसको रेशनल नंबर माने हैं तो पक्का ये ए बाई बी के फॉर्म में होगा, और ए बी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक है, वन से अदर देन कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसको समझ में आ गया। देन वी डिवाइड देम बाय द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट,
ए बी आर को प्राइम, ठीक है। ए इज इक्वल टू, अब देखिए ए, एक मिनट, रूट फाइव इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए बाई बी, तो ए इज इक्वल टू रूट फाइव बी हो जाएगा यहाँ पे जो है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट फाइव का स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर, रूट फाइव को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फाइव टू द पावर वन बाई टू मल्टीप्लाई, मतलब स्क्वायर हम लोग किए हैं तो टू आएगा, तो ये टू टू कट गया, मतलब रूट फाइव फाइव में बदल गया। देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव एंड इट कैन बी सेड दैट ए इज डिविजिबल बाई फाइव, देन ए इज इक्वल टू फाइव के, फाइव के वेयर के इज एनी इंटीजर, ठीक है ना। अब फिर सेम प्रोसेस वही करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे फाइव का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, अरे इस साइड फाइव था तो फाइव को इस साइड लाए तो बटन में फाइव चल गया, फाइव बटन में गया तो कट के फाइव आ गया, तो इसलिए यहाँ पे फाइव के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव एंड हैंस बी इज डिविजिबल बाई फाइव, स्क्रीन शॉट कीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी हैव फाइव एज ए कॉमन फैक्टर एंड दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक अपवाद पैदा करता है, ये रेशनल नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। देन हैंस रूट फाइव कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू, क्लियर है। और इट कैन बी सेड दैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, इज दैट क्लियर, यू स्क्रीन शॉट दिस एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.3 सेकेंड क्वेश्चन, बिना रुके इतना दूर तक आगे। एक्सरसाइज 1.3 का सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सेम वही प्रोसेस में हम लोग जाएंगे, रेशनल मानेंगे, रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल है। इसको आप देख लीजिए, ये नंबर है, अकेला करेंगे रूट फाइव को, ठीक है, अकेला किए रूट फाइव को, बहुत आसान है। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग रूट फाइव इज रेशनल, अगर रहेगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखें ए एंड बी आर इंटीजर्स, वन मिनट, ए एंड बी आर इंटीजर्स, 1/2 ये आ गया, 1/2 ए बाई बी माइनस 3 विल ऑल्सो बी रेशनल एंड देयर फॉर रूट फाइव इज रेशनल। दिस कंट्रडक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल, हेंस आवर अजम्पशन दैट, हम लोग जो माने थे कि 3 + 2√5 इज रेशनल इज फॉल्स, ठीक है। देयरफॉर ऐसे आप लोग को सॉल्व करना है, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, फॉलोइंग ये तीन क्वेश्चन है, इसको भी रेशनल सॉल्व करना है, सेम वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, यहाँ से आप लोग को स्क्रीन शॉट कर लेना है। इरेशनल सॉल्व करना है तो रेशनल मानेंगे, और इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको प्रैक्टिस करना है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये, और इसको भी प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। एनी डाउट से इन कमेंट सेक्शन। ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी यहाँ पे हम लिखे नहीं थे, पहला पहला लिख दिए। तीसरा क्वेश्चन का आंसर 1, 2, 3, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। हैंग कर रहा है मोबाइल, वही मोबाइल तुम बनाए हैं आपसे, उठो बन जाए कैसे करके क्या। तो हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4, जो कि रियल नंबर का लास्ट एक्सरसाइज है। अब पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद पूरा हर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट चैप्टर आप लोग का क्लास 10th का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को बस इतना करना है
चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलता रहेगा, और कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स जो है, शायद पॉलिनोमियल्स है ना, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपरेशन नोट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा कंटेंट, ठीक है, ये रहा एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम बता चुके थे। टर्मिनेटिंग जो रुक जाता है पॉइंट के बाद, ठीक है ना, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग उसी का उल्टा, आप बताइए क्या होगा, जो स्टॉप ना हो। ठीक है ना, एक चीज़ और बता देते हैं, स्टॉप कौन हो जाता है, हम लोग क्या थ्योरी में पढ़े थे, जिसका न्यूमिरेटर डेनोमिनेटर, जिसका डेनोमिनेटर में 2n5m का फॉर्म में आए वो टर्मिनेटिंग में आ जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर है दिस, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे डेनोमिनेटर जो है, यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है उसको हम लोग 5 to the power 5 का फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या है वो, 3 1 2 5, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिए। द डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 to the power m, ठीक है, 5 का पावर m का फॉर्म में है, देयरफॉर दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, यानी जब इसका हम पॉइंट वैल्यू निकालेंगे तो ये रुक जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। हम एकदम अच्छा बस आसान वर्ड में बता रहे हैं आपको। यहाँ पे 17 by 8 को हम लोग फिर से वैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर n, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए टर्मिनेटिंग। देन चेक करना है हम लोग को, जब डेनोमिनेटर को चेक करना है, डेनोमिनेटर ये है, डेनोमिनेटर में देखिए अभी जो फॉर्म आया है, ठीक है ना, ये 5 × 7 × 13 है। चलिए 5 तो हमको दिक्कत नहीं करेगा, यहाँ पे 7 भी है, 13 भी है, ये दिक्कत कर रहा है। तो जब 7 13 है तो दिस इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान है, बस हमको डेनोमिनेटर चेक करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 to the power n, अब 5 to the power m का फॉर्म में है, ये देखिए, तो जब 2 और 5 दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑल्सो टर्मिनेटिंग है, ये ऑल्सो रुक जाएगा जब हम इसका पॉइंट वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 29 ही है ना, 29/343, ठीक है, हाँ 29 है, 343 को हम लोग चेक करेंगे, 7 to the power 3, ना इसमें 2 है ना इसमें 5 है, क्या होना चाहिए ये बताइए। ठीक, सही समझे आप। अब देखिए यहाँ पे सेट किया हुआ है, यहाँ पे 2 to the power n 5 to the power m सेट किया हुआ है, क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, बहुत सही जवाब। यहाँ पे देखिए सेट तो किया हुआ है 2 का पावर n 5 का पावर m, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे 7 to the power भी कुछ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ 5 लगा हुआ है, 7 क्यों आया, 7 जब आया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, यहाँ 6/15 दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 कट जा रहा है, 2/5 5 to the power n का फॉर्म में है, ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसका पॉइंट वैल्यू रुक जाएगा। यहाँ पे 35/50 को हम लोग 7/10 का रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 कट जा रहा है, सेम ये भी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 10 को आप लोग 2 × 5 का फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे कोई और क्वेश्चन है, हाँ टेंथ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन है 77/210, यहाँ सॉल्वड है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। 30 है, 30 को हम लोग 2 × 3 × 5 का फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 और 5 तो ठीक है, 3 क्यों आया, 3 आया, हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे, इसको चेक हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यह सेकंड क्वेश्चन ऊपर में देख सकते हैं, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10 रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है,
जो जो था उसमें से टर्मिनेटिंग फॉर्म जो पॉइंट फॉर्म है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, उसको लिखना है। आप लोग सक जाइएगा, लेकिन हम सॉल्व करके दिए। यह है उसका आंसर। पहला था 13/3125, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड डिवाइड करके दिए हैं। डिटेल डिवाइड करने पर आया है ये, एक मिनट, ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस नंबर ई बाई क्यू। तो जैसे हम लोग टर्मिनेटिंग पहले हम लोग देख चुके थे कि टर्मिनेटिंग था, तो कौन सा था देखते हैं प्रूव करके। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, यानी कि ये तो पॉइंट के बाद रुक जा रहा है, कहीं पे जाके रुक ही जा रहा है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग दिस नंबर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए खुद से, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा टर्मिनेटिंग हम लोग ये पता किए थे, तो कहाँ पे रुक रहा है, ये यहाँ पे रुक रहा है। इसको भी स्क्रीनशॉट करके सॉल्व कीजिए, डिवाइड तो बताना नहीं होगा। फिर तीसरा शायद नॉन टर्मिनेटिंग था, इसलिए चौथा, चौथा इस तरह से टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है ये तो। आप लोग खुद बोलिएगा कि मत बताइए सर। तो यहाँ पे भी हम लोग, सॉरी एक मिनट, 2 का पावर n और 5 का पावर m को फॉर्म देखते थे, तो इसको सॉल्व किए। इसको भी सॉल्व करने पर हम लोग 0.115 आया। अब रुक गया, 115 के बाद कुछ नहीं आया, देख सकते हैं, रिमाइंडर इज जीरो। देयर फॉर दिस इज ऑल्सो द टर्मिनेटिंग। हम लोग जो सॉल्व किए थे कि ये टर्मिनेटिंग है, वो भी सही निकला। और दूसरा बात कि यहाँ पे हम लोग टर्मिनेटिंग निकाल भी दिए डेसिमल पॉइंट से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है ना, तो 6/15, इसको ऐसे फॉर्म में लिखे थे, काट दिए थे 2/5। एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। 0.4 इज द डेसिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th भी टर्मिनेटिंग हम लोग देखे थे, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर जो 3rd था ये था, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। और इसे अच्छा से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल, ठीक है ना, अगर ये रेशनल है, ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, वाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप क्या बताएंगे क्यू के बारे में। ये 3 नंबर है, एक मिनट, ये 3 नंबर है। ये तीनों नंबर अगर रेशनल नंबर आता है, तो इसका बारे बताना है कि क्यूथ फॉर्म को आप क्या बताएंगे। ये रहा 3rd क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि डिवाइड आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से किया हुआ है, 50/35, ठीक है। तो 35 है ये ना, हाँ, तो 50 तो जाएगा, 0 पॉइंट लगा के 0, जैसे आप लोग सेट करते होंगे। तो कितना बार में जा रहा है, 7 बार में, 350 एंड 0 रिमाइंडर, ऐसे, ठीक है, ओके, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन था 43.12345 पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है उसको सिंगल सिंगल काउंट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। सिंस दिस नंबर हैव टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुक गया है, ठीक ना, डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज़ ए, देखिए अब हम लोग टर्मिनेटिंग देख लिए हैं, ये रियल नंबर का फॉर्म में, पी बाई क्यू का फॉर्म में होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्यू का फॉर्म को हम लोग क्या बता सकते हैं, तो क्यू का फॉर्म को हम लोग 2^m, 5^n या कुछ ऐसी 2 और 5 का फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है। दैट इज ए प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 और 5, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है, और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो यह टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रुक जा रहा है। अब यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग एक नंबर रिपीट भी कर रहा है और लंबा जा रहा है, तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, लंबा जा रहा है, ठीक है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, देयर फॉर द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। क्लियर दिस। यहाँ पे आते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज, शायद यही आखिरी क्वेश्चन है, हाँ, एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक।
ठीक है। और आई होप आप लोग को डाउट नहीं होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहना है, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हम लोग बहुत प्रैक्टिस करके ये आप लोग को प्रोवाइड कराए हैं, तो देन आई होप आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और सब समझ में आ जाएगा। तो 43 पॉइंट दिस नंबर का ऊपर में बार लगा हुआ है, ठीक है ना, बार ब्रैकेट, मतलब ये नंबर रिपीट हुआ है आगे चल के, आगे चल के यही नंबर रिपीट होते गया है। सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, ठीक है ना, इज नॉट ऑफ द फॉर्म, क्या बोलते हैं, 2 to the power m, 5 to the power n, चाहे तो अदर देन दिस होगा, हम लोग जैसे पहले क्वेश्चन में सो के 7 आ जाता था, 3 आ जाता था, खैर चाहे तो दोनों ना होगा और यह अदर नंबर होगा, ठीक है। तो क्लियर है, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो। देन दिस इज द स्टडी प्लस। तो हाँ, एक और कि शुरू में हम आपको बताए थे कि हम आपको लास्ट में एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, योर लास्ट क्वेश्चन इज, जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, आई होप आप इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, आई होप आपको पसंद आए। जैसे ये हो गया, एक पैटर्न है, 3 पैटर्न है मान लीजिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, 3 है, 5 है, 2 है, और बीच में जो है 17 है, ओके, इस तरफ 8 है, आई होप आप लोग को इसका आंसर ढूंढ निकालिएगा, 29 है बीच में, ठीक है, 29 है, ओके, 9 है, यहाँ पे 7 है, 6 है, इस तरफ क्या होगा, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बीच में 51, 51, ठीक है, ये 9 था, ठीक है, ये 51 है, इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है और स्टडी प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ओके, थैंक, ओके, थैंक्स फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो इसी तरह आपको मिलती रहे। थैंक्स।